हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड। आज हम मटर पनीर बनाएंगे। मटर पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ बहुत कम चीज़ों का यूज़ किया है। मटर पनीर को एकदम सिंपल तरीके से बनाया है। इस तरह से जब हम मटर पनीर बनाते हैं तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है, और जो मटर पनीर का एक्चुअल टेस्ट होना चाहिए वही टेस्ट इसमें आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मटर पनीर बनाना। मैंने यहाँ लिया है 200 ग्राम पनीर जिसको मैंने काट लिया है, 150 ग्राम ताज़ा हरे मटर, 2 टमाटर जिनको रफली चॉप कर लिया है, 1 प्याज जिसको भी काट लिया है, ऑयल, हरा धनिया, 1 हरी मिर्च, अदरक लहसुन जिसको मैंने घिस लिया है, 4 चम्मच दही, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 2 तेजपात पत्ते, आधा चम्मच गर्म मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 पिंच हींग और 1 चम्मच जीरा। सबसे पहले गैस ऑन करके एक बर्तन गर्म करें और उसमें ऑयल डालें। 2 चम्मच ऑयल डाला है मैंने यहाँ। अब जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें कटे हुए प्याज डाल दें और प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इस तरह आपको प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनना है। अब इसमें ऐड करें अदरक और लहसुन, ये मैंने पहले से ही घिस के रखा हुआ था। अब इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्याज है वो हल्का ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब इसमें ऐड करें कटे हुए टमाटर, और टमाटर डालने के बाद इसमें डालें हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अब हम इसको 2 मिनट तक टमाटर के हल्का सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। हमें टमाटर को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का ही सॉफ्ट करना है। अब आप देख सकते हैं कि 2 मिनट बाद हमारे जो टमाटर और प्याज हैं वो हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं। अब गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दें और इसको ठंडा होने दें। इस तरह से जब हम मटर पनीर बनाते हैं इन चीज़ों को भूनने के बाद, तो मटर पनीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। टमाटर प्याज को पहले से भूनें और इसी तरह इनको फिर पीसने के बाद मटर पनीर बनाएं। अब हम इसको जार में डालकर पीस लेंगे और इसका प्यूरे तैयार कर लेंगे। अब एक पैन में ऑयल डालें, और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच जीरा डाल दें, और जीरे के तड़कने के बाद इसमें 1 पिंच हींग डालें। और अब इसमें 2 तेजपात पत्ते डालें। तेजपात के पत्ते डालने के बाद इनको अच्छी तरह से भूनें, और अब इसमें जो हमने प्यूरे तैयार किया था उसको हम डाल देंगे। अब इस प्यूरे को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से भूनें। इसको हमको लगातार चलाते रहना है जिससे कि ये बर्तन में लगे नहीं, और इसको हमको तेल छोड़ने तक भूनना है। अब इसमें डालें लाल मिर्च पाउडर। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इसके बाद इसमें डालें कश्मीरी मिर्च पाउडर। कश्मीरी मिर्च पाउडर डालने से आपके मटर पनीर का कलर अच्छा आएगा। अब इसको मिक्स करने के बाद इसमें डालें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। अब इस सबको अच्छी तरह से मिक्स करें। याद रखें कि इस समय आपको गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर इसे भूनना है। अब इसको लगातार चलाते हुए भूनें। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह भुन गया है, मसाला तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही को अच्छी तरह फेंट लें और फेंटने के बाद इसमें डालें। याद रखें कि दही को डालने के बाद आप तुरंत इसको चलाएं और चलाते हुए इसको भूनते रहें। दही डालने के बाद आपको कंटिन्यू इसको चलाना है, वरना आपकी दही फट जाएगी। अब इसको लगातार भूनें, और भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मैंने यहाँ इसमें 1 गिलास पानी डाला है, और पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और पानी को एक उबाल आने तक पकने दें। जब ये अच्छी तरह से पानी पक जाए, बॉईल हो जाए, तो इसमें ऐड करें अपने मटर। मैंने यहाँ पर हरे मटर, ताज़ा मटर का यूज़ किया है, इसलिए मैं इस स्टेज पर इनको डाल रही हूँ। अगर आप फ्रोज़न मटर का यूज़ करते हैं तो आप मटर और पनीर दोनों को एक साथ डाल सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें थोड़ा पानी और डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसको ढककर
मटर को 3-4 मिनट तक सॉफ्ट होने तक पकाएं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो मटर इसमें डाले थे वो सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको चेक कर कर दिखाती हूँ, ये जो मटर हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पनीर। मैंने यह पनीर को चौकोर काट लिया है, मैंने इनको ज़्यादा बारीक नहीं काटा है क्योंकि मटर पनीर में पनीर थोड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं। अब इस सबको अच्छी तरह से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद पनीर को 5-6 मिनट तक इसमें पकने दें। आप इसको कवर कर दें और कवर करके इसको पकाएं। अब 5-6 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा मटर पनीर है वो अच्छी तरह बन गया है। मटर पनीर बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, देखने में ये बहुत टेस्टी लग रहा है। अब इसमें ऐड करें अमचूर पाउडर, गरम मसाला। अब इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स करें, इससे आपके मटर पनीर का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद इसको मटर पनीर में मिक्स करें, इससे आपका जो मटर पनीर है उसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी आएगी और उसका टेस्ट भी दोगुना बढ़ जाएगा। अब ये हमारा डिलीशियस मटर पनीर बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इसको गर्मा गर्म सर्व करें। आप इसको राइस के साथ, रोटी के साथ, जिसके भी साथ खाना चाहें खाएं। यह बहुत ही डिलीशियस बना है। अगर आपको मेरी ये मटर पनीर की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।